बोलो ना, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, यू आर द लास्ट ऑफ द स्टार्स। सच में बात तो 100% सही है कि शाहरुख खान जैसा स्टारडम आज तक बॉलीवुड में किसी भी दूसरे सुपरस्टार ने हासिल नहीं किया। दोस्तों अभी देख लो कि 2023 की शुरुआत में जिस तरीके से पठान मूवी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था उसके बारे में। मगर उसके बाद जैसे ही गदर पार्ट 2 ने अपने दस्तक बॉक्स ऑफिस पे रखे, मतलब कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये मूवी 500 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करेगी। इसी बात से एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि 2023 बॉलीवुड का साल होगा इस बार। और इसी इतिहास को दोहराने के लिए जवान मूवी 7 सितंबर को जब आएगी ना, तो बॉक्स ऑफिस पे आंधी कहो, तूफान कहो, ज्वालामुखी कहो, कुछ भी कहो, सब कुछ आ जाएगा। और इसकी एडवांस बुकिंग के बारे में अगर मैंने आपको बताया ना, तो आप कहोगे भाई क्या एडवांस बुकिंग हुई है इसकी। एडवांस बुकिंग के मामले में हिंदी में इसने 529,568 टिकट सोल्ड आउट कर लिए हैं अभी तक। तमिल में देखने जाओ तो 19,899 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और अगर आईमैक्स की बात करो तो 11,558 टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। और अगर तेलुगु की बात करें तो 16,230 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। अभी इन सबका टोटल मिलाओ ना, तो पहले दिन जवान मूवी ने तकरीबन 17 करोड़ जितना कलेक्शन किया है, वो भी एडवांस बुकिंग के मामले में। दोस्तों अभी मूवी रिलीज होने में 3 दिन बाकी है। अभी देखने की बात यह है कि और कितना ज्यादा एडवांस बुकिंग का कलेक्शन होगा डे वन का। तो दोस्तों आप कॉमेंट में बता सकते हो कि जवान मूवी कितना ज्यादा एडवांस बुकिंग में कलेक्शन कर सकती है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।